मैं एक गॉड फियरिंग मैन हूँ फादर, और मेरे से जितना बन सके हमेशा मैं अपने वाड़ा के लिए करते रहना चाहूँगा। प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स फादर। गॉड करे तुम कई इमारतें, घर और मकान ऐसे ही बनाते रहो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आमीन फादर, आमीन। ओके फ्रांसिस, अगर आपको ये गन क्लीनिंग करने से फुर्सत मिल जाए ना, तो प्लीज ये दो केक हैं क्रिसमस के, मिस्टर जेम्स पीटरसन के यहाँ पे दे देना। याद रखना, कैश लेना मत भूलना। ओके मैडम। चल हाथ सामने से। एक्सक्यूज मी मैडम, प्यार से बात करो ना, इट्स क्रिसमस ईव। क्यों प्यार से बात करो? हाँ, सारा लाइफ वही तो किया। ये क्रिसमस ईव तेरे लिए होगा, अब उनके लिए नहीं। चल रुक जाओ, खा जाओ। हेलो फ्रांसिस, तुम यहाँ पर क्यों आया मैन? हम तुमको बोला था ना, तुम अगर मेरा नहीं होगा ना फ्रांसिस, तो किसी और का भी नहीं होगा। मैरी क्रिसमस फ्रांसिस, मैरी क्रिसमस। होश में आओ, ड्रॉप द गन प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रांसिस? कौन है ये? होशी, बी सेंसिबल जेनेट, होश में आओ, ड्रॉप द गन। हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा, नहीं तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया, हमको इमोशनली यूज किया तुमने। फ्रांसिस, क्या ये सच बोल रही? यस पेनी, बट वाज अ पास है मेरा, 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने। मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट पेनी। पेनी, आई स्वेयर ऑन गॉड, बिलीव मी पेनी। यू डॉग, तुमने हमको भी यही बोला, तुम ऐसा सबको बोलता है, सबको बोलता है तुम। एंड पेनी, यू अगली डोमिनेटिंग वाइफ, ही डोंट लव यू। फ्रांसिस इज माइन, ही लव मी। कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, और हमारा वाड़ा भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नहीं, इस साल भी हम गॉड से प्रे करेगा कि तुम सबको हेल्दी और हैप्पी रखो। तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I kill all of them, all of you. No जेनेट, no. मैं तुम सबको मार डालूंगा। Please try to understand जेनेट, you can't do this, please. ये गनशॉट का आवाज कहां से आया? ये आवाज तो रोज़विला से आई फादर। रोज़विला? चलो देखते। चैन, ये क्या किया? फैनी, माय सिस्टर जेनेट, तुम्हारा फैमिली को किल किया। बाय जेनेट, ये क्या किया? फ्रांसिस, फैनी, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? Janet, put the gun down.
कोई पुलिस को फोन करो प्लीज। अरे पुलिस को छोड़ो, कोई कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, शायद मेरा मेरा सिस्टर का लाइफ बच जाए। अरे अकेले नहीं मैं, तुमने तो चार लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। हाउ कुड यू चैलेंज पुट द गन डाउन प्लीज। जेनेट माय चाइल्ड, ये तुमने क्या कर दिया? पूरा टिमेलो फैमिली को फिनिश कर दिया तुम। नो, ओ माय गॉड, चैलेंज पुट द गन डाउन। कैसे होंगे? She's gonna kill us. मेरे को जीने का नहीं। No, Janet, listen. Doctor Francis. No more Francis. Janet. I don't want to live. Please listen to me, Janet. I don't want to live. Please, Janet. Janet. वरुण ये कितना क्यूट है ना, क्रिसमस ट्री सुपर क्यूट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस केडी। सिर्फ मेरी क्रिसमस से काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा क्रिसमस गिफ्ट किधर है? नहीं, मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहाँ है? अरे बड़े छोटों को देते हैं और सीनियर्स जूनियर्स को देते हैं। तुम मेरे सीनियर हो ना। आपको क्या लगा बिली मैं कंजूस हूँ? आपके और सोली का गिफ्ट मैंने घर भिजवा दिया है। वैसे हम दोनों के बीच कौन बड़ा है और छोटा, ये तो वेइंग स्केल बता सकता है। केडी सब सॉरी, लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूँ ना। हाँ तू तो है सब। मेरा क्रिसमस गिफ्ट का है? अरे यार, तुझे साल के हर दिन मैं ज्ञान का गिफ्ट देता हूँ, तू लेता ही नहीं, मैं क्या करूँ? सब सर, आज क्रिसमस है, आज स्पेशल गिफ्ट बनता है, आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। स्पेशल गिफ्ट दूंगा तो लेगा? ऑफ कोर्स। ये ले। सर ये क्या है? ये डॉल है। डॉल? सर इस डॉल का मैं क्या करूंगा? सर डॉल से खेलने की उम्र नहीं है मेरी। ये डॉल नहीं है वरुण, इस डॉल के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझेगा तो तभी जब डॉल को खोल कर देखेगा। सब डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, इसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है? इसमें ये ज्ञान है वरुण कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को केवल ऊपर से देखकर निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, जब तक कि बात को पूरी तरह खोल कर अंदर छानबीन न कर लो। Merry Christmas. केडी, मास मर्डर्स ऑन क्रिसमस ईव। कल 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पर मट आइलैंड में एक भयानक हादसा हुआ। डिमेलो परिवार का 4 सदस्यों का बड़ी बेरहमी से एक औरत ने खून कर दिया। उतना ही नहीं, खून करने के बाद वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, कोई जैनेट कोलमैन। जेसी, जेसी क्या हुआ सर? आप इसे जानते हैं? इम्पॉसिबल। दवे दवे, ये अखबार में खबर छपी है, 4 हत्याएं हुई है, जैनेट कोलमैन आरोपी है। कौन से अस्पताल में? जैनेट कोलमैन, फ्लावर्स फॉर यू। कभी सोचा नहीं था कि इतने वर्ष बाद ऐसे विचित्र परिस्थिति में भेंट होगी। केडी, एक प्रॉमिस करेगा, ऐसा ही फ्लावर हमारे ग्रेव पे भी रखना। जैसी, क्या शुभ बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमको फांसी लगेगा। मर्डर का चार्ज है केडी। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें बचपन से जानता हूँ मैं जैसी, 10वीं कक्षा से हम साथ पढ़े हैं और हमारी पढ़ाई में कभी हत्या करने का पाठ नहीं सिखाया गया हमें। स्कूल डेज आर ओवर केडी, नाउ
My life is over. Francis dead. Four people shot dead. I know, but ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना तो. Francis ने हमको गन गिफ्ट किया था. हमने पूछा क्या करेगा. बोला तुम्हारी सेफ्टी के लिए. 8 ईयर हो गया. कभी जरूरत नहीं पड़ा. अगर ऐसा है तो उस रात तुम गन लेकर क्यों गई थी. लास्ट क्रिसमस फ्रांसिस ने फैंसी गाउन गिफ्ट किया था. सेम गाउन पहना था. ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना. हमारा फ्रांसिस चला गया. I love him. I still love him. हमारा फ्रांसिस छोड़ के चला गया. हम जी के क्या करेगा. फ्रांसिस चला गया. हमारा फ्रांसिस हमको छोड़ के चला गया अकेले. सर मुझे नहीं लगता आपको ये केस लेना चाहिए. क्यों. क्योंकि मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता सर. सर मुझे लगता है जैनेट ही मर्डर है. वो ही खूनी है सर. क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है. सर दिस इज एन ओपन एंड शट केस सर. सारे सबूत सारे गवाह उसके खिलाफ है. उसने सबके सामने मर्डर करने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया था सर. और मर्डर वेपन भी उसी के हाथ में मिला है. इस सबके बाद भी आपको लगता है कि वो निर्दोष है. हाँ वरुण ऐसा लगता है मुझे. वरुण इस जग में सर्वोपरि भाषा विश्वास की भाषा है. विश्वास के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता. और मुझे विश्वास है कि जैनेट ने हत्याएं नहीं की. कितनी इंद्रियां होती हैं मनुष्य के शरीर में. सर 5. राइट. 5 इंद्रियां होती हैं. दृष्टि गंध स्वाद स्पर्श और श्रवण शक्ति. इन 5 के अतिरिक्त भी एक और इंद्रिय होती है आभास. 6th सेंस कहते हैं उसे. पर मुझे अपने 6th सेंस पर पूरा भरोसा है. योर ऑनर 24 दिसंबर 2012 जब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही थी. मॉड आइलैंड के इस क्रिश्चियन वाड़ा के इन लोगों में भी यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का खासी उत्साह था. लेकिन इनका उत्साह मातम में बदल गया जब इनके पड़ोसी डिमेलो फैमिली के एक नहीं बल्कि 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी. इट वॉज अ मास मर्डर योर ऑनर. चौबीस दिसंबर की रात कटघरे में खड़ी मिस जैनेट कोलमैन ने वाड़े के सब रेजिडेंट्स के सामने इस गन से डिमेलो फैमिली की हत्या की और उसी के बाद इस गन से खुद को मारने की भी कोशिश की. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. अभियोग पक्ष महोदय आपने शब्दों से अदालत पर मानसिक दबाव डालने का प्रयास कर रही है. मैं आग्रह करूंगा इनसे कि शब्दों से नहीं बल्कि साक्ष्य और साक्षी द्वारा मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को सिद्ध करने का प्रयास करें. योर ऑनर मेरी सबसे पहली और अहम गवाह कटघरे में खड़ी खुद मिस जैनेट कोलमैन है. तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की मर्डर के बाद सच. Yes. ये सुसाइड अटेम्प्ट किस लिए. मैं क्या तुमको पता नहीं था कि फ्रांसिस की फैमिली को तुमने खत्म कर दिया. जब वाड़े के सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया तब तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम पुलिस कस्टडी में जाओगी जहां पर तुम्हारे ऊपर खून का केस दर्ज होगा और उसके बाद टॉर्चर और फाइनली तुम्हें फांसी की सजा होगी. तुम्हें इस बात का एहसास हुआ तो तुमने ये अपनी जान लेने का नाटक किया ताकि तुम बच जाओ इन परेशानियों से. मुझे नहीं पता. I don't know. मुझे नहीं पता. तुमको पता नहीं कि तुमने मास मर्डर किया. I object your honor. अभियोग पक्ष मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को स्वीकार करने का दबाव डाल रही है. योर ऑनर मेरा ये मानना है कि मास मर्डर करने के बाद जैनेट को पछतावा और इसीलिए इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिंदा बच गई. होश आने के बाद इन्होंने बेकसूर होने का नाटक करना शुरू किया क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता था कि इस रिवॉल्वर पर इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इस रिवॉल्वर को इन्होंने ग्लव्स पहनकर हैंडल किया. लेकिन
बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात प्रूव हो गई कि उन चार डेड बॉडीज में जितनी बुलेट्स पाई गई थी उन सारी बुलेट्स को इसी रिवॉल्वर से फायर किया गया था जिस रिवॉल्वर से इन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर महोदय, एक प्रश्न है आपसे। घटनास्थल से एक और पिस्तौल बरामद हुई है। मिस्टर पाठक जी, एक कुल तीन पिस्टल्स बरामद हुई। योर ऑनर, मिस्टर फ्रांसिस का गन क्लीनिंग का बिजनेस था तो उनके घर पर उनके दूसरे क्लाइंट्स का गन होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। नहीं, अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि मैं उस पिस्तौल की बात नहीं कर रहा। अचंभे वाली बात यह है कि मैं इस पिस्तौल की बात कर रहा हूँ। ये इस पिस्तौल को पहचानती हैं आप जैनेट? Yes. किसकी है? ये मेरा है। ये आपकी पिस्तौल है और कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएंगी कि ये पिस्तौल वहां फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? बोलो जैनेट, ट्रस्ट, ये पिस्तौल फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? 24 दिसंबर क्रिसमस ईव मैं फ्रांसिस के घर गई थी ये बंदूक लेके। क्यों गई थी आप? उसको धमकाने। योर ऑनर, 24 दिसंबर की रात जैनेट फ्रांसिस के घर गई थी अपनी लोडेड पिस्तौल लेकर उन्हें धमकाने, न कि उनकी हत्या करने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रोसिक्यूटर महोदया कि इनके हाथों में अपनी लोडेड पिस्तौल थी किंतु जो चार गोलियां चली जिनसे हत्याएं हुई वो किसी और पिस्तौल से चली, ऐसा कैसे, क्यों, कुछ एक्सप्लेन। आप ये सवाल जैनेट से पूछिए। जैनेट, 24 दिसंबर की रात जब आप फ्रांसिस के घर गई तब वहां पर क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस कौन है ये? हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा, ये तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया। 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने, मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट। फैनी, यू डॉग, तुमने हमको भी यही बोला, तुम ऐसा सबको बोलता है। तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I'll kill you. I kill all of them. All of you. Please don't want to send out. You can't do this, please. I'll kill you. मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता गन कैसे एक्सचेंज हुई। I don't remember. Your Honor, ये बात साबित हो चुकी है कि जैनेट ने खून किया। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने ये खून किया क्यों? बताइए जैनेट, फ्रांसिस के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरे और फ्रांसिस के रिश्ते का कोई नाम नहीं था, बट वी लव ईच अदर। 12 years ago फ्रांसिस हमको हमारे रेस्टोरेंट बार में मिला फर्स्ट टाइम। वो बहुत परेशान था अपनी वाइफ फैनी की वजह से, उसके पास मनी भी नहीं था पे करने के लिए, हमने उसको ऐसे ही जाने दिया। 1 week के बाद वो वापस आया हमारा पैसा लौटाने, एंड अगेन ही ड्रिंक। वापस उसके पास पैसा नहीं था, हमने उसको जाने दिया। एंड वी लाइक ईच अदर, ही ऑल्सो लाइक मी, हमारा अफेयर शुरू हुआ। 12 साल तक हम लोग का अफेयर चला, लेकिन 6 महीने पहले अचानक वो हमारे पास आया और बोला, आई एम सॉरी जैनेट, पर अब हमको रियलाइज हुआ कि हम अपना फैमिली के साथ बहुत ही चीटिंग कर रहे हैं, और वो जो हमारा वाइफ है ना फैनी, वो बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही डोमिनेटिंग है। ये गलती मेरा है, आई एम इरेस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड फादर, ना तो कभी ठीक से पैसा कमाया और ना ही अपना बच्चे लोग का केयर किया। अब हम अपना सारा लाइफ अपना फैमिली को डेडिकेट करना मांगता मैंने। मना कौन करता है फ्रांसिस, 12 साल से हमने तुमको प्यार किया, तुमसे कुछ डिमांड नहीं किया, शादी तक नहीं बनाया हमने फ्रांसिस, और आज तुम हमको छोड़ देगा, हमारा क्या हो गया फ्रांसिस? प्लीज डोंट लीव मी फ्रांसिस, तुमको जीजस का वास्ता। नो, तुम एकदम सही बोला रे जेनेट, तुम हमको बेपनाह प्यार करता है, लेकिन क्या करेगा जेनेट, हमारा गिल्टी माइंड है ना, हमको एक साथ दो दो रिलेशन नहीं रखने दी, समझा तुम? तो हमको भूल जाओ जैनेट, भूल जाओ, फोर्स मत करो रे जैनेट। फोर्स? 12 साल तक तुम हमको प्यार किया, फोर्स किया तुमने हमको, हाँ? और आज तुम, लीव यू मीट मैन।
जैनेट, 12 वर्ष पूर्व फ्रांसिस के साथ आपकी इस प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। उस समय आपको ज्ञान था कि फ्रांसिस विवाहित है, उसकी एक पुत्री भी है। जानते हुए भी आपने क्यों ऐसा? You know, heart rules your mind. दिमाग ना बोलता था, लेकिन दिल हाँ बोलता था। 6 माह पूर्व फ्रांसिस ने आपके साथ संबंध तोड़ दिए। ऐसी क्या घटना घटी कि 6 माह बाद आपको अचानक क्रोध आया और आप अपनी ये पिस्तौल लेकर उसके घर उसे धमकाने चली गई? क्या क्या हुआ था ऐसा? 6 महीने तक हमने फ्रांसिस को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उसको लेटर लिखा, फोन किया, लेकिन उसने हमको इग्नोर किया। हमको लगा क्रिसमस में तो वो हमसे मिलने जरूर आएगा, वो अपनी जैनेट के पास आएगा, वो नहीं आया। उस दिन हमने बहुत दारू पिया, हम होश में नहीं था। हमने सोचा हम बंदूक लेकर के उसके घर जाएगा और उसको धमकाएगा और उसकी फैमिली के सामने सारा राज खोल देगा और वो हमारे पास आ जाएगा वापस। ये बिल्कुल सही कह रही है योर ऑनर, ये होश में नहीं थी क्योंकि ये नशे में थी। ये फ्रांसिस से नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने फ्रांसिस की पूरी फैमिली को वहीं पर खत्म कर दिया। योर ऑनर, जैनेट ने अभी अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि फ्रांसिस को धमकाने गई थी ये क्योंकि ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए। सामान्य ज्ञान की बात है योर ऑनर, अगर ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए तो इनकी हत्या क्यों करेंगी? योर ऑनर, जैनेट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रांसिस उसे थप्पड़ मारकर अपनी फैमिली के सामने उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट करेगा। और उस दिन जैनेट को ये भी समझ में आ गया कि फ्रांसिस अपनी फैमिली छोड़कर उसके पास नहीं आएगा। नशे में धुत वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद उन्होंने एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी। योर ऑनर, मैं ये बात तो साबित कर ही चुकी हूँ कि खून हुआ है और ये खून क्यों हुआ है। और अब मैं विटनेस बॉक्स में उस विटनेस को बुलाना चाहूंगी जिसने जैनेट को मास मर्डर करने के बाद सबसे पहले देखा। बॉब स्मिथ योर ऑनर। माय नेम इज बॉब स्मिथ, मैं मालवानी में रहता हूँ। बॉब, जब रोज विला में ये मर्डर्स हो रहे थे तो तुम कहाँ थे? अब रोज विला के पास जो चौक है मैं उधर ही को था। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि जैनेट भाड़ा में आया, सॉलिड नशे में था और हाथ में गन था, सब लोग ने देखा। मैंने उसको रोकने का कोशिश किया लेकिन वो रोज विला में चला गया और मेन डोर बंद कर। मिस्टर स्मिथ, आपने अभी अभी कहा कि आपने बाकी सब ने भी जैनेट के हाथ में पिस्तौल देखी, ये नशे में भी थी और आपने इनको रोकने का प्रयास भी किया था लेकिन ये छुड़वा कर अपने आप को रोज विला के अंदर चली गई। आपको भनक तो लग गई होगी कि कुछ न कुछ होने वाला है, आपने इनका पीछा नहीं किया? मैं पीछे जाने का कोशिश किया लेकिन मेरा सिस्टर मेरे को बोला कि इट्स ओके बॉब, गन ठीक कराने के वास्ते आया होगा। होप यू आर सैटिस्फाइड विद द आंसर मिस्टर पटेल। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम सबने गनशॉट फायर होने का आवाज सुना। कितने गनशॉट सुने आपने? फोर शॉट, वो भी एक के बाद एक। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम लोग सब सरप्राइज हो गया और रोज विला के अंदर गया, वहां दरवाजा बंद। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बॉब जब रोज विला का दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो उन्होंने जैनेट के हाथ में पिस्टल देखी और उनके सामने 4 लाशें जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, जिन पर गोलियां चलाई गई थी। योर विटनेस मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, आई एम स्पीकिंग विद यू, योर विटनेस प्लीज। हाँ, थैंक यू। मिस्टर स्मिथ, आप जब अंदर गए और आपने जैनेट के हाथों में पिस्तौल देखी, कौन सी पिस्तौल देखी? ये वाली कौन सी? अभी कौन सा गन था वो हमको कैसे मालूम होगा? आप लोग एक्सपर्ट है तो आप लोग को मालूम होगा। नहीं, आपने कहा कि आपने उसे हाथ में पिस्तौल लेके रोज विला के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, हाथ में पिस्तौल था उनके, और आपने जब रोज विला के अंदर प्रवेश किया द्वार तोड़कर तब आपने उनके हाथों में पिस्तौल देखी, वही पिस्तौल थी, अलग अलग थी, क्या? नॉर्मल आदमी है, सारा पिस्तौल एक ही माफिक लगता है तो। आपने कहा कि रोज विला का मुख्य द्वार बंद था और गोलियां जब चली तो आपने आवाज सुनी लेकिन आपने जैनेट को गोली चलाते हुए देखा नहीं? नो।
तो ये हो सकता है, संभव है, इट्स पॉसिबल कि हत्यारा कोई और रहा हो जिसने गोलियां चलाई हो, हत्या की हो और फिर रोज विला के पीछे के दरवाजे से वो फरार हो गया हो, भाग गया हो, और आप जब रोज विला का जो मुख्य द्वार है उसको तोड़कर अंदर गए, आपने जब पिस्तौल देखा जैनेट के हाथों में, तो ये अनुमान लगा लिया, गेस किया कि जैनेट ने ही गोलियां चलाई। पॉसिबल है मेरा अगला विटनेस विटनेस बॉक्स में आकर हमको ये बताएगा कि उसने एक्चुअली क्या नहीं देखा। क्या नहीं देखा तो क्यों बुलाने की आवश्यकता है उसे? इस सवाल का जवाब भी वही देगा। सर, आई एम जेफरी एडम्स। जॉन एडम्स मेरा फादर था और पेनी डिमेलो अब उनका बड़ा सिस्टर। और सर, बॉब ने अभी अभी जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल बरोबर दिया सर। रोज विला से जब गोलियां चलने की आवाज आई तो सब लोगों ने जाकर सामने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उस समय आप कहां थे? मैं भी बैकडोर की तरफ भागा तो देखा बैकडोर खुला हुआ था। क्या आपने किसी आदमी या औरत को उस पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा? नो, मैंने किसी को नहीं देखा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन्होंने उस दरवाजे से किसी को भी भागते हुए नहीं देखा। आप जब पीछे के दरवाजे से अंदर आए रोज विला के अंदर, तो आपने क्या देखा? इसी जैनेट ने मेरा फैमिली को किल किया है, इसी ने किल किया सर। हैंगर सर, डिप्सिटाइज। मिस्टर जेफरी, अपने इमोशंस पर काबू रखिए। मिस बोस, यहाँ आइए इस तरफ। यस मिस्टर पाठक। हाँ, आपको आपत्ति न हो तो चंद प्रश्न मैं पूछ लूँ? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। जेफरी एडम्स, आपकी मनोस्थिति को, योर इमोशन को मैं समझता हूँ। घटना दुखद घटना है या कुछ और भी समझना चाहता हो सकता है, समझने में आप मेरी सहायता कर सकें। पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप पहले वो व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन जो रोज विला के पीछे के दरवाजे से अंदर आए हत्या होने के बाद। जी सर, मैं उस घर के हर कॉर्नर से वाकिफ हूँ सर। मतलब पता कैसे चला आपको कि द्वार खुला था? How did you know? सर, मैंने केवल गेस किया था सर। मेरे मन में योर ऑनर, अभियोग पक्ष के जो साक्षी यहाँ आए हैं, उन्होंने, उनकी कथन ने एक प्रश्न उठाया है। प्रश्न ये है कि अभियोग पक्ष के कथन के अनुसार जैनेट वहाँ गई थी हत्या करने की मंशा लेकर, तो इन्होंने मुख्य द्वार तो बंद किया, पीछे का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? दूसरी बात यह है योर ऑनर कि मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इन्होंने हत्याएं की, हत्या करने के बाद जब लोग रोज विला का मुख्य द्वार पीट रहे थे, उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पीछे का द्वार तो खुला था, इनके लिए बहुत आसान था वहां से भाग जाना, पलायन करना, क्यों नहीं किया इन्होंने? योर ऑनर, हो सकता है कि जैनेट को पता ही न हो कि पीछे कोई दरवाजा है। शायद आपको नहीं पता अभियोग पक्ष महोदया कि मडाइलैंड के क्रिश्चियन वाड़ा में 99% घरों में पीछे का द्वार है, रहवासी यही है, पुष्टि कर लीजिए। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मिस्टर पाठक। वास्तविकता ये है योर ऑनर कि जैनेट वहां हत्या करने की मंशा से गई ही नहीं थी। वास्तविकता ये है योर ऑनर कि जैनेट ने ये हत्याएं की नहीं, हत्यारा कोई और ही है योर ऑनर, जिसने द्वार का नहीं खिड़की का प्रयोग किया। हत्यारे आप हैं मिस्टर जेफरी एडम्स। व्हाट डू यू मीन? मैंने अपना फैमिली को किल किया? इट इज इम्पॉसिबल योर ऑनर। मेरे इस निष्कर्ष तक पहुंचने का कारण ये रिवॉल्वर है, ये रिवॉल्वर जिससे हत्याएं की गई हैं। अब इस रिवॉल्वर को तो आप पहचानते ही होंगे जेफरी साहब, देखिए ना, ध्यान से देखिए। सर, ये रिवॉल्वर मेरा है। ये मेरा डैड ने मेरे को गिफ्ट किया था, लेकिन आई स्वेयर सर, ये मर्डर मैंने नहीं किया। अब ये रिवॉल्वर वहां कैसे पहुंचा, आई डोंट नो सर। जेफरी, याद कीजिए कि आपकी पिस्टल चोरी हुई थी या नहीं। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। अभियोग पक्ष गवाह के मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर। एक मिनट सर, मुझे याद आया, ये रिवॉल्वर मैंने फ्रांसिस को दिया था क्लीनिंग करने के वास्ते। कब दी थी सर? डेट नहीं याद है, लेकिन 10-15 रोज पहले दिया था मैंने। ठीक से याद है आपको? जी। और कब ली आपने फ्रांसिस से ये रिवॉल्वर क्लीनिंग होने के बाद? ये
याद नहीं सर, लेकिन मैं रिवॉल्वर लेने रोज विला जरूर गया था और वहां फ्रांसिस मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद या तो फ्रांसिस ये रिवॉल्वर मुझे लौटाने आया था, या तो क्या ये लौटाने आए थे या क्या क्या हुआ क्या? नहीं सर, वो आने वाला था, मुझे याद नहीं आ रहा सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे आपको ये नहीं याद कि आपका रिवॉल्वर वो लौटाने आया था या आप लेने गए थे? नो सर, सर मुझे मेमोरी का थोड़ा प्रॉब्लम है। आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मेमोरी की वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा। मेरा बेकरी था सर, बेकरी का फर्नेस ऑफ करना भूल गया, सब कुछ जल गया, एवरीथिंग आई लॉस सर, एशेस ओनली। योर ऑनर, सही कह रहे हैं मिस्टर एडम्स, इनकी बेकरी जल गई थी। वो बेकरी भी आपको आपके पिताजी ने ही दी थी, आपके पिताजी की बेकरी हुआ करती थी। यस योर ऑनर, मिस्टर जॉन एडम्स ने अपनी अपनी मिल्कियत के दो हिस्से किए थे, उनकी बेकरी जो थी वो उन्होंने अपने सुपुत्र को दी थी और रोज विलाज उनका घर था वो उन्होंने अपनी पुत्री फैनी को दी थी। सर ठीक ठीक कह रहा हूँ मैं? अच्छा ये बताइए कि जब आपकी बेकरी जल गई थी उसके बाद आप रोज विला गए थे? डैड, डैड हम फिनिश हो गया, हमारा बेकरी फिनिश हो गया। डैड, डैड हमारा पास कुछ भी नहीं बचा। डैड हेल्प मी, हेल्प मी डैड, प्लीज हेल्प मी डैड। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ बेटे? थोड़ा कैश दे दो प्लीज। कैश? आई डोंट हैव अ जॉब, कैश कहाँ से लाऊंगा मैं? जेफरी तुम डैड से क्यों पैसा मांगता है? मैन तुमने क्या किया? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई बेकरी को अपनी गलती की वजह से जला दिया और उसका इंश्योरेंस भी नहीं निकाला। यू आर राइट, यू आर टोटली राइट, यू आर फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। अभी तुम्हारा हेल्प कोई नहीं कर सकता। प्लीज सिस्टर, तुम डैड को परस्यू करो कि वो रोजविला सेल कर दे। सिस्टर, रोजविला सेल करने पे हमको बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा मेरे को दे देना सिस्टर। आखिर आखिर पेनिस प्रॉपर्टी पे मेरा भी शेयर है। नो वे जेफरी, तुम्हारा राइट सिर्फ बेकरी पर था, रोजविला पे सिर्फ फैनी जिमोला, उसके पति और उसकी डॉटर का राइट है। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। So please leave from here, वरना मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। Get lost. Fanny, my sister, Francis. तुम सब लोग, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। तुम सब लोग सेल्फिश हो, तुम सब लोग सेल्फिश हो। You have to pay for this. You have to pay for this. और इस वाक्य को वास्तविकता का रूप देने के लिए आपने इस अवसर का लाभ उठाया, पूरे परिवार की हत्या की और उसका आरोप जैनेट के सर मंड दिया आपने। मिस्टर जेफरी जी, तो सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही ने ये हत्याएं की हैं। मिस्टर जेफरी रिलैक्स। मिस्टर पाठक जी, आपने जो कहा कि मिस्टर जेफरी के पास मर्डर का मोटिव है और आपने ये भी कहा कि उन डेड बॉडीज में जिनमें से बुलेट्स बरामद हुई जो इनके पिस्टल से चली, मैं उस बात से भी कन्विंस्ड हूँ। लेकिन आपने जो मिस्टर जेफरी का मोडस ऑपरेंडी मुझे समझाया, उस बात से मैं कन्विंस्ड नहीं। आपके कन्विंस होने न होने से क्या? मिस्टर पाठक इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात बोलिए। क्योंकि जिस वक्त रोज विला में गोलियां चल रही थी, मिस्टर जेफरी रोज विला के बाहर थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए वाड़े में रहने वाले मिस्टर अल्बर्ट डियाज, जो इस समय इस कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी ये रिकॉर्डिंग है जो 24 दिसंबर की रात क्रिसमस प्रिपरेशंस हो रही थी, वो सब इसमें रिकॉर्डेड है, जिसमें जैनेट का वाड़े में आना भी रिकॉर्डेड है। मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि कोर्ट इस टेप को देखे। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जिस वक्त जैनेट ने वाड़े में एंट्री ली, उस वक्त जेफरी वाड़े पर थे और उसके कुछ ही मिनटों बाद रोजविला के अंदर गोलियां चलने लगी। आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जो कितनी जल्दी एक खिड़की के अंदर घुसकर चार लोगों का कत्ल करता है और उसके बाद छोटी बाईलेन से भागकर रोजविला के दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां पर वाड़े के लोग हैं, ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। योर ऑनर, जेफरी शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, इनकी आयु भी कुछ अधिक नहीं लगती, फिर हत्या करके बाहर भीड़ में घुल मिल जाना इनके लिए असंभव बात नहीं है। योर जेफरी, क्या आप अपना राइट घुटना दिखाएंगे इसको? श्योर श्योर मैम।
दिसंबर को जेफरी को चोट लगी और उन्होंने डॉक्टर से टेटनस का एक शॉट लिया, तो उसके बाद उनके लिए इतनी जल्दी भागना दौड़ना इज नॉट पॉसिबल। किडी, क्या आप और कुछ पूछना या कहना चाहते हैं? जी योर ऑनर, एक्चुअली नो योर ऑनर, मे बी नो योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन और कोई गवाह या सबूत पेश करना चाहता है? योर ऑनर, मिस्टर रॉबर्ट मॉर्गन का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए मड आइलैंड के आसपास उनके लिए घर बनवाए और उनकी सुख सुविधा के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, रिक्रिएशनल पार्क्स और चर्चेस भी बनाए। एम आई राइट? यस योर ऑनर, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, और ये मेरी कम्युनिटी ही मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी है, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं टू मेक देयर लाइव्स हैप्पियर। मिस्टर मॉर्गन, 24 दिसंबर की रात जब रोजविला में गोलियां चली तो क्या आप वाड़ा में थे? यस, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैनेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या दूसरों की तरह आप भी रोजविला के अंदर गए? यस। जब आप रोजविला के अंदर गए और आपने वहां जैनेट के हाथ में वो पिस्टल देखी और वो चार खून से लथपथ बॉडीज देखी, इसके अलावा आपने और क्या क्या देखा और क्या सुना? इट वॉज अ ड्रेडफुल साइट योर ऑनर। सभी लोग हैरान थे, सभी लोग जैनेट से पूछ रहे थे कि उसने मर्डर क्यों किया। थैंक यू मिस्टर मॉ। योर ऑनर, मैंने इस कोर्ट के सामने बलिस्टिक रिपोर्ट और तीन गवाह ऑलरेडी पेश कर दिए, और मिस्टर पाठक ने जो मेरे क्लाइंट पर खून का इल्जाम लगाया था, मैंने उसे भी गलत प्रूव कर दिया। मेरे पास 50 ऐसे विटनेसेस हैं, लेकिन मैं इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। इस कोर्ट में मौजूद सभी लोग जैनेट के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने को तैयार हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, एक गवाह झूठ बोल सकता है, पूरा वाड़ा नहीं। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बैलिस्टिक रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है, मोटिव ऑफ मर्डर गलत नहीं हो सकता है, कत्ल इसी औरत ने किया है। हाँ, हाँ, मैंने खून किया है। मैंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का खून किया। हैंग द डेविल, आई एम द सिनर, हैंग मी, हैंग मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.